चमोली की तरह ही हंगामे और गुस्से की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी देखने को मिली। होटल कर्मचारी की घिनौनी हरकत का जब पता चला, रोटी पर थूक लगाकर तंदूर में सेकने का उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, गुस्सा थे और मामले की शिकायत पुलिस से की। इस तरह का वीडियो आपने पहले भी कहीं देखा होगा, क्योंकि थूक जिहाद थमने का नाम नहीं ले रहा। घिनौनी हरकतें करने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे और उसी का नतीजा है कि कहीं जूस में यूरिन तो कहीं रोटी पर थूकने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो यूपी के सहारनपुर का है, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र के खलीफा नाम के एक होटल में काम करने वाला कर्मचारी घिनौनी और शर्मनाक हरकत कर रहा है। वो रोटी को तंदूर में डालने से पहले उस पर थूकता नजर आ रहा है, जो हरकत किसी शख्स ने छिप कर रिकॉर्ड कर ली। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष थूक जिहाद चला रहा है, जिसे लेकर उन्होंने ढाबा बंद करने की मांग की और मामले की शिकायत पुलिस से की। थूक जिहाद चल रहा है कि भोजन को अपवित्र करा जाता है थूक करके, ऐसे ही घटना को इस पर होटल खलीफा पर अंजाम दिया गया है। बड़े निंदनीय विषय है, ये कुकृत्य है। इससे आम जनमानस की भावना तो आहत हो ही रही है, साथ साथ ये बीमारी फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। होटल पर स्टाफ का व्यक्ति भोजन में थूक करके आम जनमानस को दे रहे हैं, ऐसी वीडियो हमारे हम लोगों के संज्ञान आई है। बजरंग दल के हंगामे के बाद मामले में पुलिस एक्टिव हुई और कर्मचारी को पूछताछ के लिए बुलाया। एसपी सिटी ने कहा कि वीडियो की जांच करवाई जाएगी और अगर इसकी पुष्टि हुई तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीजों को मिलाने के मामले पर सीएम योगी सख्त हैं। सीएम ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ ऐसे ही मामलों को लेकर बैठक की, जिसके बाद सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि सरकार जल्द ही ऐसे मामलों के खिलाफ कठोर कानून लाने जा रही है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में गंदी चीजें मिलाना बड़ा अपराध है और इसके लिए कठोर कानून जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।